नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। राज्य में थमनी कोरोना मृत्यु आज 66 मुंड नहीं महामारी 24 घंटा 2110 पॉजिटिव मोट आक्रांत संख्या 947,869 को वृद्धि। काली राज्य में सरुच्च आंशिक लॉकडाउन अवधि पॉजिटिव संख्या कमुचे किंतु मृत्यु लगुनी ब्रेक 25 जिले में कोहल हो पाए कटक 5 जिले में बलबत्तर रहीपे गाइडलाइन। राज्य में पीएम आवास में महादुर्नीति अभियोग पातर अंतर नीति विरोध में आसंता कालिठ पश्चिम ओडिशा रे गर्जिब बीजेपी। संबलपुर में उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेरब दल राज्यपाल उद्देश्य दिजो दावीपत्र। आज युव वर्ग को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन को पूरी 6 वर्ष समारोह में उपस्थित रहे केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भुवनेश्वर एम्स को पूरला 9 वर्ष प्रतिष्ठा दिवस में अटलजी प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करेंगे एम्स सभापति। एक्मो मेसीन उद्घाटन। विद्युत कार्ड सह दर वृद्धि नहीं राज्य सरकार को घेरी बीजेपी। सबु जिले में आरंभ हो विक्षोभ प्रतिवाद। 16 सबु जिले में कैंडल मार्च कर बीजेपी युव मोर्चा। शेषे आज महाप्रभु बनक लगे नीति श्रीजू श्रीमुख श्रृंगार करेंगे दत्त महापात्र सेवक। गुप्त सेवानीति होपराह्रे 4 घंटा बंद रहा है दर्शन। एथर संपूर्ण खबर। राज्य में थमनी कोरोना मृत्यु पुणी 66 मुंड नहीं महामारी। यासह गत 24 घंटा मध्य राज्य में 2110 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। एमानक मध्यरु 1213 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 897 रही। खोर्धार सर्वाधिक 458 जन आक्रांत होती। गत 24 घंटा मध्य कटकु 323 बालेश्वर 168 भद्रकु 79 केन्द्रापड़ 132 केन्दुझर 66 मयूरभंज 99 नागर 74 सुंदरगढ़ 62 और स्टेट पुल 87 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते। राज्य में मोट 9,39,752 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 9,47,869 जन सुस्थ होते। राज्य में एवं भी 22,279 जन सक्रिय संक्रमित रहते। राज्य में 2110 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। पुणी मुंड नहीं 66 जनकर कोरोना मृत्यु संख्या बढ़ुता बेले किंतु संक्रमितों संख्या धीरे धीरे कमुची। खोर्धारु 458 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले मृत्यु संख्या रही 21। सेपरि कटकु 323 पॉजिटिव चिन्हट होती। बालेश्वर 168 केन्द्रापड़ 132 मयूरभंज 99 और मृत्यु संख्या रही कटक 1 बालेश्वर 8 केन्द्रापड़ 0 और मयूरभंज रही 2। सेपटे काली सरुच आंशिक लॉकडाउन एवं समस्त मनरे प्रश्न। अनलॉक हेब कि 25 जिला अन्य 5 जिले में किभली रहिबो नुआ गाइडलाइन तापर मध्ये नजर रहिबो। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी तबे खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज पूरी स्थिति एवं चिंताजनक। कटक और खोर्धार संक्रमण कमुन सरकार फोकस रही दुईट जिला। से बालेश्वर मयूरभंज में पॉजिटिविटी रेट अधिक रही दुई जिले में बलबत्तर रहीपे कटक। स्थित राज्य में कौन हो पाए अनलॉक फर्मूला निष्पत्ति पूरा राज्यवासी नजर रही। कटक कोहल ना पूर्वभली पॉजिटिविटी रेट आधार में ए बी फर्मूला अपणाई पारती सरकार। 5 जिले में बलबत्तर रहीपे कटक। जुलाई 16 सरुच आंशिक लॉकडाउन यह नजर रखी आसंता परवर्त पदक्षेप संपर्क में घोषणा करते सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी भी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पूरी स्थिति एवं चिंताजनक रही। संपर्क में अधिक सूचना पर आम सहित दिव्य फोनलाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि। दिव्य वर्तमान चिंताजनक कथा हो मृत्यु संख्यार रोक लगुनी और कटक खोर्धार प्रत्येक दिन आज पाखापाखि 500 पॉजिटिव चिन्हट होती। कौन आगामी पंथा सरकार अपणाई पारती। दिव्य ऑडिबल हो राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या माने पुणी 66 मुंड नहीं महामारी। यह 24 घंटे 2110 पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धारु सर्वाधिक
458 जन आक्रांत चिन्हट होती गत 24 घंटे कटकु 323 बालेश्वर 168 भद्रक 79 केन्द्रापड़ 132 केन्द्र 66 लेखाएं पजिट चिन्हट होती तेज सेपटे जदि देखा का सर आंशिक लकडाउन एवं समस्त मन में प्रश्न अनलक हे कि 25 जिला कारण अगर 5 जिले में किभली रहा गाइडलाइन नजर राज्य में कोरोना संक्रमण कमी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पूरी स्थिति एवं चिंताजनक रही जहां नहीं सरकार कौन निष्पत्ति पारती या पर सारा राज्यवासी नजर रही कटक और खोर्धार संक्रमण कमुन सरकार फोकस रही दुईट जिला से बालेश्वर मयूरभंज में पॉजिटिविटी रेट अधिक रही दुई जिले में बलबत्तर रहीपे कटक एभली स्थित राज्य में कौन होपे अनलॉक फॉर्मूला निष्पत्ति पूरा राज्यवासी नजर पुणि थे सरकार से भली जोनाल करेंगे कि ए बी फॉर्मूला अपणे कि ये हूँ बड़ प्रश्न तेज जदि सरकार नुआ गाइडलाइन आणुचार तेज गाइडलाइन में कौन नुआ नियम रहिबो समस्त नजर रही जेहेतु 16 तारीख 17 तारीख आसंता काली ही सरीज लॉकडाउन रो अवधि तापर सरकार पुणी कौन नुआ फॉर्मूला अपणेबे याकु नेकि समस्त वर्तमान चिंताग्रस्त कारण 5 जिले में मध्य वर्तमान पॉजिटिविटी रेट बढ़ुछि जहाकु नै एठी कौन रहिबो नुआ फॉर्मूला सरकार केमती सरकार याकु नेकि कटकणा लागू करिवे या पर समस्त नजर रहिछि तबे आसंता काली परवर्ती पदक्षेप संपर्क में घोषणा करिपारंती सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण कमी थिले भी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज वर्तमान चिंता बढ़ाऊ दिव्य आम सहित जोड़ी होती दिव्य सरकार कौन नुआ पंथा अपणई पारती कारण वर्तमान सुधा मध्य 5 जिले में स्थित संगीन रही संक्रमित संख्या दैनिक रही किंतु वर्तमान आप देखिए पुणि थे संक्रमित संख्या बढ़िवार लगी दुई तीन दिन तले संक्रमित संख्या 2000 तले रहुतिला किंतु वर्तमान यह पुणि 2000 प्लस करी ऊपर मुहा होती जहाँ गोटे नुआ चिंता बढ़ाई आपको देखते लगातार भाव में कटक खोर्धा यह किसी सहरांचल कौटी संक्रमण न कमिया विशेषको कटक भुवनेश्वर जो सिटी अंचल रही यहाँ सरकार नुआ स्ट्राटेजी आपने जाऊँ जहाँ स्वास्थ्य विभाग पक्ष सूचना मिली अंपटे आउ गए सबसे बड़ कथा हूँ मयूरभंज बालेश्वर ये टीपीआर रेट जिते जहाँ कले कमुना दृष्टि रखी सरकार किसी निष्पत्ति आउ गोटे कथा आप देखिए बर्तमान जो सीमावर्ती जिला गुड़िक रही जमी आप देखते छत्तीसगढ़ सीमा नुआपड़ा आप देखु पश्चिम बंग बालेश्वर ये सब जो सीमावर्ती जिला गुड़िक रही सरकार किसी फोकस देवे कारण जेहतु सेपटे अन्य राज्य गुड़िक पश्चिम बंग हूँ कि छत्तीसगढ़ देखु कि झारखंड देखु ये धीरे धीरे संक्रमण संख्या वृद्धि पाए लगी तो से दृष्टि कहूँ बर्तमान बॉर्डर जिला सीमावर्ती जिला गुड़िक किसी कटका करें विशेषकर बॉर्डर को सील कर निष्पत्ति नहीं पारती सरकार सहित जो आम राज्य भितर देखा राज्य भितर जो कटका कोहल करूचना रही हूं तो केवल नाइट कर्फ्यू को छाड़ बाकी समस्त कटका को सरकार कोहल करदे सब कटका को उठाई देवार जहां सूचना रही नचे आप देखिए कटक भुवनेश्वर कि बालेश्वर मयूरभंज यही चारि जगह को कटका भितर रखा बाकी समस्त जगह को कटका मुक्त कर पूर्व आप जानते 10 कोटी जिला बी कैटेगोरी अच्छी तो से ही अनुपात में ए कैटेगोरी को ये 10 जिलू किसी जिला जापे विशेषकर 5 जिला एक कैटेगोरी को जीवार जहां संभावना रही आ गोटे कथा सब बड़ कथा देखा राज्य भितर समस्त जिले में बस चलाचल परमिशन मिलवर जहां संभावना रही किंतु जी सीट रही सीट अनुपात ही लोक चढ़ाक अनुमति दिजिव अधिक लोक सीट चढ़ी पारे ना और जब बस से कौन लोक बसवे से मास्क पिंधे सानिटाइजेसन यही सब व्यवस्था को मैं त्वरांत करने कहु आ गोटे कथा आप देखिए जमी पूर्व जो रेस्टोरांट हो होटेल हो एगुड़ी बंद रखाई केवल पार्सल अनुमति होता बर्तमान बलबत्त रखा होटेल बस खाई ना से नियम को सरकार आने को जाती भाव में आज अपराह में ही घोषणा करेंगे मुख्य शासन सचिव विशेष भाव राज्यवासी को जनइबे प्रकृत में जो गाइडलाइन अच्छी तरह कौन परिवर्तन कराऊ कौन नुआ गाइडलाइन अणा होते कटका को कोहल कराऊ जगह कटका को बलबत्त निश्चित भाव में दिव्य सारा राज्यवासी नजर रही नुआ गाइडलाइन सरकार कौन आने क्यों क्यों अंचल को वर्तमान कोहल करोटी कटका नुआ लागू हो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपंकर तमाम सूचना आसवा परवर्ती खबर को झुलंता अवस्था दंपति मृतदेह उद्धार जाजपुर जिला बिंझारपुर थाना
उत्तरकूल पंचायत सुंदरपुर गांव में घटी अभावनीय घटना। मृत्युर कारण अस्पष्ट थिबा बेले मृत दंपति हेले दीपक कुमार नाथ एवं अनिता नाथ। दीपक ओडिशा बाहर एक घरोई कंपनी रे चाकरी करूथिले। लॉकडाउन पई घरे आसी रहूथिले दीपक। पारिवारिक कलहरु एपरि घटना घटीथिबा अनुमान करा जाउछि। मिंझारपुर पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि मृतदेह उद्धार करी तदंत करूछि। तबे झुलंता अवस्था रे दंपतिंक मृतदेह उद्धार करा जाइछि। मृत दंपति दीपक नाथ बोली जनापड़ी। मृतदेह उद्धार करी वर्तमान पुलिस तदंत आरंभ करिछि। तबे मृत्युर कारण वर्तमान सुधा जनापड़े नाही। तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित बिंझारपुर प्रतिनिधि गुलशन नवाज अली खान हम सहित जोड़ी हिछंती। तबे गुलशन, वर्तमान मृत्युर कारण कौन? पाखाख लोक जो मैंने रही से किसी प्रतिक्रिया रखुं कि जो मृतक अच्छा माँ जी अच्छा झीवर माँ से सीधा सीधा सड़क अभियोग कर पुआ घर वाला बोली मार बोली से सीधा अभियोग कर अंपटे पुलिस तदंत चली पर्यंत कौन कारण अस्पष्ट अच्छी पुलिस भी कहती तदंत चली तदंत प्रतिक्रिया आसे तापर जन पुलिस कहते किंतु गुलशन एठी तो दुई जन माने दंपति स्वामी स्त्री उभय ही वर्तमान सुसाइड करछन्ती बा तांकर मृतदेह मिलिछि। खास करी पुओ घर जे रहछन्ती परिवार लोके से माने किछु प्रतिक्रिया रखुछन्ती कि पुओ घर वाला सेपटे से एबे पर्यंत कोनसे उत्तर देनांती तांकर सहित मु जोगाजोग करथली से एबे पर्यंत किछु प्रतिक्रिया देनांती। किछु समय पर से कहिछन्ती किछु मन्तव्य देबे बोली स्थानीय लोक माने भी कहछन्ती से माने किछु प्रतिक्रिया देबे एबे पर्यंत किछु प्रतिक्रिया देनांती। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन आपंकर तमाम सूचना पर आम सहित आम बिंझारपुर प्रतिनिधि गुलशन नवाज अली खान जोड़ी होते और दंपति झुलंता मृतदेह नहीं अधिक सूचना देते। बुलेटिन आगक रही अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय हो एक छोट ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत। राज्य पई अनेक गौरव आनी भुवनेश्वर एम्स। 2003 जुलाई 15 में भुवनेश्वर सिजुआ देशर द्वितीय एम्स रे शिलान्यास करते सेतबेर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तेज आज एम्स को पूरी 9 वर्ष यह अवसर में एम्स रे उद्घाटन हो बहु प्रतीक्षित एक्मो मिशन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति में पुष्प माल्यार्पण कर। And paid floral tribute to Shri Atal Bihari Vajpayee ji, the late Prime Minister of India, who was the person who laid the foundation stone for AIIMS Bhubaneswar. This is the only new AIIMS for which the foundation stone was laid by Vajpayee ji, and so we paid floral tributes to him. And subsequently, about an hour, we will be inaugurating the ECMO services. We have procured the item, and this ECMO is going to be helpful for many of the patients who might be needing it. तबे एम्स रो प्रतिष्ठा दिवस रे आज अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाला अर्पण करा जैतिला। 2003 जुलाई 15 में भुवनेश्वर सिजुआ रे देशर द्वितीय एम्स रो शिलान्यास करथिले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तबे आज एम्स को पूरी 9 वर्ष यह अवसर में एम्स रे उद्घाटन हो बहु प्रतीक्षित एक्मो मिशन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति में पुष्प माल्यार्पण करतेबर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जे कि भुवनेश्वर रे एम्स रो प्रतिष्ठा करते। राज्यपाई अनेक गौरव आनी भुवनेश्वर एम्स। 2003 जुलाई 15 में भुवनेश्वर सिजुआ देशर द्वितीय एम्स रो शिलान्यास करते सेतबेर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज एम्स को पूरी 9 वर्ष यह अवसर में एम्स रे उद्घाटन हो बहु प्रतीक्षित एक्मो मिशन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति में पुष्प माल्यार्पण कर।
राज्य में अघोषित विद्युत काट सह दर वृद्धि नहीं साधारण जनता मुंडे पड़ी चड़क जहाक रास्ता को ओह्लाई राज्य बीजेपी सबु जिले में विक्षोभ और प्रतिवाद कर दल सेपटे बहु बा सबु जिले में बीजेपी युव मोर्चा पक्ष कैंडल मार्च कराने सूचना देखते सभापति इराशिष आचार्य जुलाई 16 20 जाए कैंडल मार्च कर बीजेपी युव मोर्चा विद्युत परिचालन शक्ति विभाग फेल मारी बेले राज्यर विभिन्न स्थानों आसुची पुलापुला अभियोग राज्यवासी को भुआ बुलाई विद्युत कंपानी मनइच्छा बिजुली काट करसह कोरोना काल में लोकों पर विद्युत दर वृद्धि लदि दि जा अभोग करजेपी बिना मीटर रे उपभोक्ता पाखक बिजुली बिल आसुवा बेले विद्युत संजोग नई चाषी ना आसी लक्षाधिक टार बिल यहाक नहीं आंदोलन पर अंटा भिड़ी राज्य बीजेपी और बीजेपी युवमोर्चा जो छात्र माने टेलीविजन माध्यम रे हो मोबाइल माध्यम रे हो जो पाठ पढ़ुंती अघोषित विद्युत काट जो ना नसुविधार सम्मुखीन होती युव उद्योगी मैंने ना असुविधार सम्मुखीन होती तार प्रतिवाद रे आसंता 16-20 तारीख मध्य भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्युत रो देयर अहेतुक वृद्धि एवं जो कथा कहली जे अघोषित विद्युत काट विद्युत शुल्क रो ह्रास ताकू नहीं आदाय पाए जुलम एता को नहीं कि प्रतिवाद पाए सबु जगह शांतिपूर्ण भाव कैंडल मार्च कर राति अधरे ओडिशा कथा बुझले रेलमंत्री राज्यर विभिन्न प्रकल्प संपर्क में समीक्षा कले अनेक अधिकारी आलोचना करिछंती अश्विनी निज मंत्रालय में बसी ओडिशार केउ प्रकल्प केते आगे पचारि बुझिथिले खासकर 306 किलोमीटर खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथ को मंत्री सर्वाधिक गुरुत्व देखते प्रकल्प कम केते बाट जाउठी और कौन पर विलंब होसबू विषय पचारि बुझिंट अनुगुल सुकिंदा हरिदासपुर पारादीप तालचेर बिमलागढ़ जयपुर नवरंगपुर जयपुर मलकानगिरी नुआ रेल लाइन निर्माण समीक्षा करपरी वंशपाणी दैतारी टोंका जखपुरा संबलपुर टेटलागड़ खोर्धा रोड बारंग विजयनगरम संबलपुर तालचेर संबलपुर रेल लाइन डबलिंग कार्यर समीक्षा करसह ओडिशे भविष्य रेलपथर विकास नहीं रोडमैप प्रस्तुत कर समीक्षा बैठक पर केन्द्रमंत्री ट्वीट कर निज अफि टेबुल ओडिशा मैप रखी रेलवे प्रकल्प समीक्षा करीडियो छाड़ से ओडिशा को केते गुरुत्व देखते दर्शाईवा चाहते केन्द्रमंत्री एभली पदक्षेप को विभिन्न महल में स्वागत कर आज देशर युववर्ग को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन 10:30 डिजिटल समारोह में संबोधन करेंगे मोदी स्केल इंडिया मिशन रो 6 वर्ष स्मृति चारण उद्देश्य होगी समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्योग मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गस्त 1583 कोटी टंकार उन्नयनमूलक प्रोजेक्टर उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री पखापाखि 8 मास पर प्रधानमंत्री मोदी निज संसदीय क्षेत्र गस्त वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटा रहिबार कार्यक्रम रही वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री पहुंचा पर प्रथम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी खेलपड़िया एक जनसभा स्थल में जोगदेवे 280 योजन विभिन्न प्रोजेक्टर शिलान्यास करेंगे आगक आसुच्छ मौसुमी अधिवेशन अधिवेशन पूर्व राज्यसभा सर्वदलीय बैठक डाकी राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू आसंता 17 तारीख में बासभवन अनुष्ठित हो बैठक केन्द्र वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा गृहर नेता भाव निजुक्ति दी जा केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी जुलाई में 8 सका 11 सर्वदलीय बैठक डाकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहिबार संभावना रही संसद मौसुमी अधिवेशन जुलाई 19 आरंभ एवं अगस्त 13 रे शेष हो
राज्य में पीएम आवास में महादुर्नीति अभियोग बातर अंतर नीति विरोध में आसंताकालू पश्चिम ओडिशा रे गर्जिब बीजेपी संबलपुर में उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेरिब दल राज्यपाल उद्देश्य दिजिव दावीपत्र तेज किदिन ते केन्द्रीय टीम रिपोर्ट स्पष्ट होता राज्य में केमिति चली आवास योजना रिपोर्ट आधार में आवास योजन प्राय 1000 कोटी टंकार घोटाला कथा सामना को आनिथिला बीजेपी खासकर आवास दुर्नीति तदंत करने को आसीथिबा केन्द्रीय टीम तदंत और दस्तावेज आवास दुर्नीतिर महालुट उपर परदा हटाई और पदार पड़ी राज्य सरकार पक्का घर बाहसपत्र गुमर तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित संबलपुर प्रतिनिधि मलय भई जोड़ी होती मलय वर्तमान पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी आंदोलन करबा पई जाउछि विक्षोभ करबा पई जाउछि खास करी आवास योजना रो चित्र कोन आसुछि निश्चित पके चिन्मय देखंतु आपण जेतेबेले आवास योजना कथा उठितला पूर्वर बीजेपी जानथिबे राज्य रे ब्लॉक स्तरीय जो भले आंदोलन करथिला जे आवास योजना रे महा घोटाला अछि आ घोटाला रे राज्य सरकार पूरा पूरे शामिल छथि जेतु कि केन्द्र सरकार जिते परिमाण आवास योजना देखिए आसिक राज्य सरकार बाट माड़ कर जो मैंने प्रकृत हिताधिकारी से भाई लोक आवास मिल पार नहीं या कि आज पश्चिम ओडिशा बीजेपी पक्षर संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव करा जहाँ घोषणा कर वर्तमान मत देखुए जे संबलपुर बीजेपी कर्मी तथा तो जिला सभापति वर्तमान समय अच्छा हेतु कि आउ कि समय पर दिन एगारटा जो घेराव हे आरडीसी ऑफिस पखापाखि ए पश्चिम ओडिशा समस्त जिलार विधायक रे सांसद रे अनेक बीजेपी कर्मी रे घेराव कर प्रधानमंत्री आवास योजना महा घोटाला को नहीं प्रतिक्रिया रखा जिला सभापति।